गुड मॉर्निंग एवरीवन आज हम देखेंगे चैप्टर ट्वेंटी सिक्स ड्रग एक्टिंग ऑन सीबीएस और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसका पार्ट वन जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कार्डियोटॉनिक्स तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सप्लाइज योर बॉडीज ऑर्गन विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिय सो दैट योर ऑर्गन डू देयर जॉब्स कार्डियोवास्कुलर तो सिस्टम का क्या काम है कि ये आपके बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिय पहुंचाने का काम करते हैं जिसके वजह से जो टिश्यूज है और सेल है वो उनका जॉब और उनका फंक्शन प्रॉपरली कर सके तो यही काम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट हार्ट देन वेन्स आर्टरीज एंड कैपिलरीज तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में ये चार कॉम्पोनेंट होते हैं फर्स्ट पंपिंग सिस्टम दैट इज हार्ट उसके बाद वेन्स जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाता है और वहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है थ्रू आर्टरीज और उसके बाद फाइनली वो कैपिलरीज में जाता है तो ये चार पार्ट आते हैं आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में इसके बाद हम देखते हैं कार्डियोटॉनिक्स क्या होते हैं तो कार्डियोटोनिक्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द इफिशियंसी एंड इंप्रूव द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स विच लीड्स टू इंप्रूव ब्लड फ्लो टू ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी तो कार्डियोटोनिक्स जो होते हैं ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपके हार्ट के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इफ़िशेंसी बढ़ाते हैं और इम्प्रूव करते हैं जिसके वजह से आपका हार्ट जो है और अच्छे तरीके से हार ब्लड को पंप कर सके टू ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी तो ये कार्डियोडेंटोनिक्स लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता या फिर हमारे जो मसल्स है हार्ट के वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते जिसके वजह से ब्लड फ्लो हमारे टिश्यूज़ में प्रॉपरली नहीं हो पाता और ब्लड फ्लो अगर प्रॉपरली हमारे टिश्यू में नहीं गया तो वहाँ पे ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स का डिफिशियंसी होता है और देयर मे बी अ चांसेस ऑफ डेड सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन तो वहाँ का जो है सेल डेड हो जाएगा या फिर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसका ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकता है तो इसलिए कार्डियोटॉनिक्स ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनका हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा है तो वो हार्ट को बूस्टअप करने के लिए वो हार्ट के मसल्स को बूस्टअप करने के लिए हम कार्डियोटॉनिक देते हैं जो कि हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इम्प्रूव करता है द ड्रग यूज एज कार्डियोटॉनिक्स आर डिजिटाइल एंड अलाइट कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो जो ड्रग होते हैं यूज करते हैं हम कार्डियोटॉनिक बोल के उसमें आते हैं डिजिटलिस और उससे रिलेटेड और उससे आए डिराइव कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इसके अलावा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर मेनली ऑप्टेन फ्रॉम डिजिटलिस ट्रोफेंथस एंड स्टील तो डिजिटलिज ट्रोफेन्थस और स्क्विल से हमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं और डेरिवेटिव ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं डिजिटलिस इज द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज एज अ कार्डियोटोनिक ड्रग तो डिजिटलिस्ट जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज कार्डियोटोनिक है जिसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स रहते हैं और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है इन केस ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर में जहां पे हार्ट प्रॉपरली काम नहीं करता वहां की हार्ट मसल्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती मीन्स हार्ट फेल होता है टू पंप द ब्लड तो अभी हम आते हैं हमारा मेन ड्रग जो कि हमारे सिविलेबस में इंपॉर्टेंट है डिजिटलिस्ट इसका डिटेल डिस्कशन हम इसमें करेंगे तो ये एक ही ड्रग जो है इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसमें देखते हैं कार्डियोवस्कुलर एक्शन बिकॉज हम चैप्टर जो देख रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवस्कुलर सिस्टम तो पहले हम देखेंगे कार्डियोवस्कुलर सिस्टम पे क्या एक्शन होता है हमारे डिजिटलिस का और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का इन नॉर्मल नॉर्मल इंडिविजुअल डिजिटलिस इन स्मॉल डोज रेस्ट डज नॉट प्रोड्यूस एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन कार्डियक आउटपुट दो स्ट्रोक वॉल्यूम एंड मीन आर्टेरियल प्रेशर में बी इंक्रीज तो अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल को अगर डिजिटलिस और कार्डियक ग्लाइकोसाइड देते हैं स्मॉल डोज में तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखता हमें वो नॉर्मल इंडिविजुअल के और पीपल के कार्डियक आउटपुट में सिर्फ थोड़ा स्ट्रोक वॉल्यूम जो है और आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाता है बाकी बहुत ज़्यादा उसका एडवर्स इफेक्ट हमें नहीं दिखता है अगर हम स्मॉल डोजेज में नॉर्मल इंडिविजुअल को डिजिटालिस देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंजेस्टिव कार्डियेल्यूअर कंजेस्टिव कार्डियोअर में यह कुछ अलग काम करता है कौन हमारा डिजिटलिस तो फर्स्ट आते हैं हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे तो डिजिटलिस अगर हम कंजेस्टिव कार्डियेल्यूअर और सीसीएफ पेशेंट को देते हैं तो डिजिटेलिज है डायरेक्ट एक्शन ऑन मायोकार्डियम तो डिजिटलिस्ट का डायरेक्ट एक्शन होता है मायोकार्डियम पे अब ये मायोकार्डियम कहा रहता है ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं जैसा कि आपको पता है हार्ट में फोर चेम्बर होते हैं दो एट्रिया होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं तो जो वेंट्रिकल की जो मिडल लेयर है और जो थिकेस्ट लेयर है मायोकार्डियम तो मायोकार्डियम पे ये डायरेक्ट इफेक्ट शो करते हैं डिजिटलिस्ट जिसे हम कार्डियोटॉनिक बोलते हैं और कार्डियक ग्लाइकोसाइट जिसके वजह से क्या होता है इट इंक्रीज इन फोर्स ऑफ सिस्टोलिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स तो ये डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं हमारे मायोकार्डियम जो कि वेंट्रिकल का एक थिकेस्ट लेयर है और यही मेन रोल प्ले करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन के लिए ठीक है तो इसके वजह से क्या होता है कि डिजिटली जब हम कंज्यूम करते हैं और किसी पेशेंट को जिसको कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर है और सी है उसको देते हैं तो उसमें क्या होता है इंक्रीज इन फोर्स ऑफ सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन तो सिस्टोल और डायस्टोल ये प्रोसेस कंटिन्यूसली 24 फोर बाय सेवन हमारे हार्ट में चलता है .0.8 एट सेकेंड का ये हमारा कार्डियक साइकिल होता है तो जिसमें कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसे हम सिस्टोलिक फेज बोलते हैं जिसमें हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और सेकंड जो होता है वो डायस्टोल जिसमें हमारा हार्ट जो है वो थोड़ा रिलैक्स मोड में जाता है तो ये पॉइंट एट सेकेंड्स का कार्डियक साइकिल होता है तो जब कोई पेशेंट को सी होता है और कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर होता है और उसको जब हम ये कार्डियोटॉनिक देते हैं तो ये डायरेक्टली मायोकार्डियम लेयर पे एक्ट होता है और जिसके वजह से सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उसका जो फोर्स है वो बढ़ जाता है और वहाँ के हार्ट मसल्स बहुत ज़्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ठीक है, है? Forceful contraction results complete ventricular emptying. तो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स कंप्लीट वेंट्रिकुलर एम्टिंग तो ये जो डिजिटैलिस है ये मायोकार्डियम पे डायरेक्टली एक्ट होने के वजह से फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है और वहाँ से जो वेंट्रिकल्स में जितना भी ब्लड है वो कम्प्लीटली खाली हो जाता है एम्प्टी हो जाता है विथ राइज इन स्ट्रोक आउटपुट मीन्स जो स्ट्रोक का आउटपुट है वो भी अल्टीमेटली बढ़ जाता है तो ये डायरेक्ट एक्शन जो है डायरेक्ट एक्शन जो होता है आपका डिजिटल इसका ये मायोकार्डियम लेयर पे होता है द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल डिक्रीज अलाउिंग ग्रेटर टाइम फॉर वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड हार्ट रेस्ट तो ड्यूरेशन जो है सिस्टोल का डिक्रीज होता है क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होता है जिसके वजह से ग्रेटर टाइम फॉर वेंट्रिकुलर फीलिंग और हार्ट रेस्ट ये बढ़ जाता है द डायस्टोलिक साइज ऑफ द हार्ट इज रिड्यूज तो डिजिटलिस के वजह से बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जब हार्ट रेस्टिंग स्टेज में जाता है तो हार्ट का साइज जो है ये थोड़ा सा कम हो जाता है जिसके वजह से क्या होता है ऑक्सीजन एक्सपेंडिचर फॉर गिवन वर्क आउटपुट रिड्यूस तो हार्ट का जो साइज़ है वो कम होने के वजह से फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन जल्दी होता है जिसके वजह से कम ऑक्सीजन एक्सपेंडिचर होता है मीन्स कम ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है बट वर्क आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन एज वेल एज मसल्स को जितना एनर्जी का जरूरत है वो कम लगता है ठीक है द वर्क कैपेसिटी ऑफ हार्ट इज इंक्रीज एंड ग्रेटर परसेंटेज ऑफ केमिकल एनर्जी इज यूज इन द मैकेनिकल प्रोसेस तो केमिकल एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड से मिल रही है और डिजिटलिस्ट से मिल रही है जो कि डायरेक्टली एक्ट होता है आपके मायोकार्डियम पे और इंक्रीज करता है आपका हार्ट का वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन जिसके वजह से ग्रेटर परसेंटेज ऑफ केमिकल एनर्जी यूज होता है फॉर द मैकेनिकल प्रोसेस और इसी वजह से ऑक्सीजन का एक्सपेंडिचर जो है वो कम हमें लगता है मीन्स कम ऑक्सीजन में भी हमारे हार्ट मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वेंट्रिकुलर को कम्प्लीटली एम्प्टी करते हैं तो इस तरह से कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर के पेशेंट में हार्ट प्रॉपरली काम करता है डिजिटाइलिज डज नॉट इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन बाय द कार्डियक मसल्स बट इंप्रूव इट्स एनर्जी यूटिलाइजेशन तो डिजिटाइज डायरेक्टली मायोकार्डियम पे एक्ट होता है तो डिजिटालिज एनर्जी प्रोडक्शन नहीं करता और इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन नहीं करता बट जो कार्डियक मसल्स का जो है एनर्जी यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करता है इंप्रूव कैसा करता है कि भाई हार्ट का साइज और वेंट्रिकुलर साइड से जो हार्ट का साइज है उसे थोड़ा रिड्यूस कर देता है जिसके वजह से उसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में जितनी एनर्जी लगती है वो कम लगती है और कम एनर्जी लगना मीन्स कम ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होना जिसके वजह से जो पेशेंट है उसको ऑक्सीजन कम लगता है एनर्जी कम लगता है तो ये डिजिटलिस का मेन एडवांटेज है द डिजिटेलाइज्ड हार्ट दस कैन डू सेम वर्क विथ लेस एनर्जी और मोर विथ सेम एनर्जी एक्सपेंडिचर देयर फोर डिजिटाज इज कॉल्ड एज कार्डियोटॉनिक तो डिजिटालिस्ट जो है ये लेस एनर्जी में भी सेम वर्क करेगा हार्ट पे और ज्यादा एनर्जी में भी एनर्जी को सेव करने का काम करेगा इसीलिए डिजिटालिस को कार्डियोटोनिक बोलते हैं सेकंड आते हैं हम हार्ट रेट पे क्या फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है हमारे डिजिटलिस का इंडिविजुअल विथ सी सी एफ डिजिटलिस रिड्यूस द हार्ट रेट तो इंडिविजुअल जो होते हैं जिन्हें सीसीएफ होता है और कंजेस्टिव फेलियर होता है उसमें डिजिटालिस क्या करता है हार्ट रेट को रिड्यूस करता है ठीक है हार्ट रेट को रिड्यूस करता है तो स्मॉल डोज ऑफ प्रोड्यूस प्रोड्यूसर डिक्रीज इन हार्ट रेट बाय स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस और वेगल नर्व तो वेगल नर्व को स्टिमुलेट करता है हमारा डिजिटलिस जिसके वजह से डिक्रीज इन हार्ट रेट होता है स्मॉल डोजेज में और अगर हम फुल डिजिटलिस डोज लेते हैं तो वो कंडीशन में भी आपका हार्ट जो है हार्ट रेट जो है वो रिड्यूस होता है अब ये क्यों होता है दिस इफेक्ट इज ड्यू टू डायरेक्ट कार्डियक एक्शन दिस इफेक्ट इज ड्यू टू डायरेक्ट कार्डियक एक्शन डायरेक्ट कार्डियक एक्शन कहाँ पे हो रहा है मायोकार्डियम पे जो कि वेंट्रिकल्स की मिडल लेयर है और जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है ड्यू टू मायोकार्डियम होता है तो ये जो है डिक्रीज इन हार्ट रेट ये किसके वजह से होता है ड्यू टू डायरेक्ट एक्शन और जिसके वजह से वेगल नर्व और वेगस नर्व जो है ये स्टिमुलेट होती है और अल्टीमेटली हार्ट रेट डिक्रीज होता है ठीक है इन इंडिविजुअल विथ सीसीएफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज एज रहता कंपनसेटरी और कार्डियर रहता है, और कार्डियाक, कार्डियाक रहता है वहाँ पे sympathetic activity increase हो जाती टू कंपनसेटरी कंपनसेट दैट कार्डियक फेल्यूअर तो कार्डियर को कंपनसेट करने के लिए सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से कि भाई जो हार्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन कर ले कर सके इसके वजह से क्या होता है दिस लीड्स टू टैकिकार्डिया। जिसके वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है तो ये हार्ट रेट कब बढ़ता है जिस पेशेंट को कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूअर होता है और उनमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होता है टू कंपनसेट दैट कार्डियक फेल्यूअर ठीक है अब ये बात कब का हो रहा है जब हम डिजिटाइलिज नहीं लेते हैं ठीक है ध्यान से समझिए जब हम डिजिटाइलिज नहीं लेते तभी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज ठीक है सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होता है और जिसके वजह से टैकी कार्डिया होता है अब इसमें भी डिजिटालिस जो है डिजिटालिस बहुत अच्छे से काम करता है डिजिटालिस क्या करता है डिजिटालिस बाय इंप्रूविंग द सर्कुलेशन फिनोमिना। डिजिटालिस क्या करता है इंप्रूव करता है सर्कुलेशन फिनोमिना को जिसके वजह से जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है वो डिक्रीज हो जाती है और उसके वजह से जो टैक्कार्डिया इफेक्ट मिला है मीन्स इंक्रीज इन हार्ट रेट वो फिर से कम होता है और रिड्यूस होता है और टैकिकार्डिया जो पेशेंट में है और कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर पेशेंट में है उसका टेकिकार्डिया नॉर्मल हार्ट रेट पे आता है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ डिजिटलिस ठीक है तो डिजिटलिस इंप्रूव करता है सर्कुलेशन फिनोमिना जिसके वजह से जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज्ड हुई है बिफोर कंज्यूमिंग डिजिटैलिस ठीक है ये ध्यान से समझिए डिजिटैलिस अभी हमने नहीं लिया और वो पेशेंट ने नहीं लिया जिसे कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूअर है तो उसके इसमें क्या होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी एज अ कंपनसेटरी फिनोमिना करके मीन्स कार्डियक फेल्यूअर को मैनेज करने के लिए सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से टैकी कार्डिया होता है मीन्स इंक्रीज इन हार्ट रेट होता है बट ये इंक्रीज इन हार्ट रेट के वजह से हार्ट बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने लगता है ऐसे कंडीशन में अगर हम डिजिटलिज देते हैं तो डिजिटलिज क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स बढ़ा देता है जिसके वजह से डिक्रीज इन हार्ट रेट होता है और सिंपैथेटिक टोन जो है वो डिक्रीज होता है और स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी वो डिक्रीज होती है और अल्टीमेटली हार्ट रेट नॉर्मल लेवल पे आ जाता है और हार्ट रेट रिड्यूस होता है अब हम देखते हैं कंडक्शन वेलोसिटी कंडक्शन वेलोसिटी क्या है तो कंडक्शन वेलोसिटी इज स्लाइटली इंक्रीज इन द आर्ट्रिया तो कंडक्शन वेलोसिटी जो इंपल्स कंडक्शन है मींस हार्ट का इंपल्स लेने के बाद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का जो प्रॉपर्टी है उसका जो वेलोसिटी है इंपल्स का वेलोसिटी को कंडक्ट करने का ये स्लाइटली इंक्रीज होता है जब भी हम डिजिटेलिस का ट्रीटमेंट लेते हैं इन आर्ट्रिया मीन्स जो अपर टू चेंबर है दो चेंबर है हमारे लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया वहां पे जो है वहां पे कंडक्शन वेलोसिटी स्लाइटली इंक्रीज होती है एंड वेंट्रिकल्स बाय स्मॉल डोज ऑफ डिजिटलिस सॉरी तो स्लाइटली इंक्रीज होती है इन द एट्रिया और वेंट्रिकल बाय स्मॉल डोज ऑफ डिजिटेलिस बाय वेगल एक्शन ठीक है तो कंडक्शन वेलोसिटी एट्रिया में भी और वेंट्रिकल्स में भी ये इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू स्मॉल एक्शन बोलते हैं कंडक्शन थ्रू एवी नोड इज डिप्रेस बाय बोथ वेगल एंड एक्स्ट्रा वेगल एक्शन तो एवी नोड जो होता है जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी हम बोलते हैं जो कि वॉल होता है बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर तो यहाँ पे कंडक्शन डिप्रेस होता है ड्यू टू बोथ वेगल एंड एक्स्ट्रावेगल एक्शन एक्स्ट्रावेगल और वेगल एक्शन की वजह से वहां पे जो इम्पल्स कंडक्शन है वहां उसका वेलोसिटी कम होता है दिस इफेक्ट इज थेरापेटिकली यूजफुल ये दो इफेक्ट है ये थेरापेटिकली यूजफुल है कि भाई एक्ट्रिया और वेंट्रिकुलर में स्मॉल डोज में कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ता है बट एवी नोड में डिप्रेस होता है बाय बोथ वेगल एंड एक्स्ट्रा वेगल एक्शन ये भी अल्टीमेटली सी सी एफ पेशेंट को थेरापेटिकली यूजफुल है जिसके वजह से हार्ट प्रॉपरली काम करता है हार्ट रेट कम होता है और पेशेंट का ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है कंडक्शन थ्रू पुरकुंज फाइबर सिस्टम ऑफ वेंट्रिकल इज डिप्रेस्ड बाय डायरेक्ट एक्शन तो कंडक्शन जो होता है इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है थ्रू पुरकुंजे फाइबर पुरकुंजे फाइबर से जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है इन वेंट्रिकल ये भी डिप्रेस होता है ड्यू टू डायरेक्ट एक्शन ऑफ डिजिटैलिस तो डिजिटेलिस का डायरेक्ट एक्शन जब हमारे वेंट्रिकल पे होता है तो पुरकुंज फाइबर का इम्पल कंडक्शन जो है वो डिप्रेस होता है तो ये सब अल्टीमेटली वेलोसिटी जो है कंडक्शन इंपल्स का कंडक्शन वेलोसिटी ये वैरी होता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ डिजिटेलिस और डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस ऑन वेंट्रिकल्स पेश ऑन मायोकार्डियम तो ये कंप्लीट इफेक्ट आपको और सॉरी आपको नहीं कंजेस्टिव कार्डियक कार्डियेल्यूर पेशेंट को जो है नॉर्मल नॉर्मल ब्लड फ्लो करने में मदद करता है उसके बाद है ऑटोमेटिसिटी डिजिटैलिस इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ पुरकुंजे सेल एंड द वेंट्रिकुलर मसल्स टू इनिशिएट द इम्पल्स डिजिटा क्या करता है पुरकुंज सेल्स का एबिलिटी बढ़ाता है एज वेल एज वेंट्रिकुलर मसल्स का भी एबिलिटी बढ़ाता है टू इनिशिएट द इंपल्स तो पुरकुंजे सेल भी एज ए इक्टोपिक पेसमेकर इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं एज वेल एज वेंट्रिकुलर मसल्स भी इंपल्स जनरेट कर सकते हैं ड्यू टू दिस डिजिटलिस दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल और इवन वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन तो ऑटोमेटे सिटी में डिजिटलिस क्या कर लेता है कि भाई डिजिटेलिस पुरकुंजे सेल को भी एबिलिटी दे देता है और उसकी एबिलिटी बढ़ा देता है कि भाई वो इम्पल्स जनरेट कर सके एज वेल एज वेंट्रिकल मसल्स को भी एबिलिटी बढ़ा देता है कि भाई वो भी इंपल्स uh, इनिशिएट कर सके जिसके वजह से वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल और इवन वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन होता है अब ये वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा और वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन क्या होता है इट्स अ काइंड ऑफ कार्डियक अरेथमिया मीन्स रिदम जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का उसको डिस्टर्ब कर देता है जिसकी वजह से हमारा हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का रिदम बिगड़ जाता है और अल्टीमेटली फर्दर हमें कार्डियक अरेथमिया होता है तो इनका एबिलिटी बढ़ गया एक्चुअली ऐसे नोड का एबिलिटी है टू इनिशिएट इम्पल्स बट ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ डिजिटैलिस अगर हमने डिजिटैलिस ले लिया तो सबके पास पावर आ गया पुरकुंज सेल के पास पावर आ गया वेंट्रिकुलर मसल्स के पास आप पावर आ गया टू तो जनरेट इम्पल्स यानी कोई भी इम्पल्स जनरेट कर रहा है जिसके वजह से जो टोन है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का वो डिस्टर्ब हो जाता है और जिसके वजह से वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल और इवन वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन जिसे हम कार्डिया करेथमिया भी बोल सकते हैं वो होने का चांसेस बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर अब ब्लड प्रेशर पे फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है डिजिटलिस का इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉर्मल इंडिविजुअल शोज इंक्रीज इन मीन एट्रियल प्रेशर मीन्स इंट्रावेनस एडमिनिस्टर अगर करता है कोई नॉर्मल पर्सन डिजिटलिस को तो उसमें जो है एट्रियल प्रेशर बढ़ता है ठीक है एट्रियल प्रेशर बढ़ता हुआ हमें दिखता है वाइल पर्सन विथ सी सी एफ शो नो सच इंक्रीज तो जो पेशेंट का हार्ट फेल है और कार्डियक फेल्यूअर है जिस पेशेंट को उसमें एट्रियल प्रेशर बिल्डअप ही नहीं होता अगर उसे इंट्रावेनसली हम डिजिटलिज और कार्डियक ग्लाइकोसाइड देंगे द इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस पेशेंट विद फेलर आर वेरिएबल एंड आर यूजली सेकेंडरी टू इम्प्रूवमेंट इन सर्कुलेशन तो डिजिटलिस का जो आर्ट्री आर्ट्रियल प्रेशर है इन कार्डियक फेल्यूअर पेशेंट ये वेरिएबल है वेरिएबल है मीन्स किसी को सेकेंडरी इफेक्ट देता है और किसी को इम्प्रूवमेंट इन सर्कुलेशन देता है मीन सेकेंडरी मीन्स थोड़ा बहुत उसका हार्ट को पंप करने का पावर देगा और जिसको कार्डियक फेल्यूर है उसका हार्ट पहले से थोड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा जिसके वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में राइज विद द इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम तो ये हमने पहले ही देख लिया कि भाई डिजिटलिस को मायोकार्डियम डिजिटलिस uh, जो है वो माओकार्डियम लेयर जो है हमारा वेंट्रिकल्स को उसको डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है और इसके वजह से वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल होता है बट हाइपर टेंशन इज नॉट द कॉन्ट्राइंडेसन टू द यूज़ ऑफ डिजिटलिस तो ये सब चीज़ों के वजह से हाइपर टेंशन बिल्डअप नहीं होता तो इसलिए डिजिटलिस के यूज़ से हाइपर टेंशन नहीं होता है तो हम ये डिजिटलिस फॉर कार्डियक फेल्यूर हम आज, आराम से यूज़ कर सकते हैं अब वेनस सिस्टम पे डिजिटालिस क्या इफेक्ट करता है डिजिटालिस कॉज डिक्रीज इन वेनस प्रेशर इन इंडिविजुअल विथ सी तो जिस पेशेंट को सी है और कंजेस्टिव कार्डियक फेलर है उसमें डिजिटालिस वेनस प्रेशर को डिक्रीज करता है अब ये वेनस प्रेशर मीन्स वेन्स जो होते हैं उसके प्रेशर को डिक्रीज करने का काम डिजिटलिज करता है विच इज़ सेकेंडरी टू द इम्प्रूवमेंट इन सर्कुलेशन तो सेम सेकेंडरी हो सकता है या फिर बहुत अच्छा सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने वाला इफेक्ट हो सकता है रिसेंटली इट इज फाउंड दैट डिजिटाइलिज लोअर द वेनस स्टोन एंड इंक्रीज द पेरीफेर ब्लड फ्लो इन इंडिविजुअल विथ सी सी एफ तो वेनस स्टोन जो है उसको लोअर करने का काम डिजिटलाइज करता है ये रिसेंटली फाउंड हुआ है जिसके वजह से टोन डिक्रीज होने के वजह से कम अमाउंट में ब्लड आपके हार्ट में जाएगा बट डिजिटालिस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है तो थोड़ा बहुत जो भी ब्लड जाता है वो ब्लड वो फोर्सफुली बाहर फेंकेगा और ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस से फेंकेगा इसके वजह से आपका पेरिफेरल ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होता है इन इंडिविजुअल विथ सी ठीक है तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलर पेशेंट में ऐसा होता है कि भाई वेनस स्टोन डिक्रीज होता है बट कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसके वजह से सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट होता है उसके बाद आता है रिफ्रैक्टरी पीरियड तो इट इज द पीरियड आफ्टर ऑनसेट ऑफ डिपोलराइजेशन ये कौन सा पीरियड है आफ्टर द पीरियड ऑफ डिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन होने के बाद ये रिफ्रैक्टरी पीरियड चालू होता है अब दो टाइप के रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं एक होता है एप्सुलट रिफ्रैक्टरी पीरियड और दूसरा होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड अगर हम एक्शन पोटेंशियल अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो उसमें फर्स्ट होता है डीपोलराइजेशन देन रीपोलराइजेशन आफ्टर दैट हाइपर पोलराइजेशन ठीक है डिपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन एंड आफ्टर दैट योर मसल्स और यूर रिसेप्टर इज रेडी फॉर नेक्स्ट इंपल्स मीन्स एक इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल होने के बाद एक सेल में एक इवेंट uh, होने के बाद दूसरे इवेंट के लिए वो रेडी रहता है तो उसी को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं अब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड मीन्स क्या होता है ये रेस्टिंग पीरियड होता है इस पीरियड में दूसरा स्टिमुलस आ भी गया तो भी आपका हार्ट जो है वो उसे रिएक्ट नहीं करेगा ऐसे पीरियड को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड रिफ्रैक्टरी पीरियड रेस्टिंग पीरियड होता है आइदर कॉन्ट्रेक्शन स्टेज में रहेगा और रिलैक्सेशन स्टेज में रहेगा बट ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में अगर दूसरा स्टिमुलस आता है फास्ट कोई और पहला ही आपका एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो स्टिमुलस वेस्ट चला जाएगा वो स्टिमुलस को आपका हार्ट जो है वो रिस्पांस नहीं करेगा इसलिए ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है रेस्टिंग पीरियड है आइदर इन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म और इन रिलैक्सेशन फॉर्म तो इट इज द पीरियड आफ्टर ऑनसेट ऑफ डिपोलराइजेशन तो ये पीरियड कौन सा है आफ्टर डिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन होने के बाद ड्यूरिंग विच द जो मायोकार्डियम लेयर है वहां के सेल जो है और वहां के जो हार्ट की मसल्स है वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर रहती है मीन्स वो एक रेस्टिंग पीरियड में है बट वो कॉन्ट्रैक्ट मोड में है तो उसे हम बोलेंगे एब्सुल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड तो उस मोड में अगर दूसरा स्टिमूलाय आता है तो हमारा ऑलरेडी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड में है और रेस्टिंग मोड में है बट कॉन्ट्रैक्ट मोड में है तो वो उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा ठीक है रिस्पॉन्स नहीं करेगा वो रिस्पॉन्स कब करेगा जब एक एक्शन पोटेंशियल का साइकिल और एक एक्शन पोटेंशियल का इवेंट खत्म हो जाएगा तभी वो नेक्स्ट स्टिमुलाय को एक्सेप्ट करेगा बट रिफ्रैक्टरी पीरियड चल रहा है और रेस्टिंग पीरियड चल रहा है और दूसरा स्टिम्यूलाय पट से आ रहा है तो ऐसे टाइम में आपका हार्ट उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा डिजिटलिस्ट प्रोलॉन्ग फंक्शनल रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ एवी नोड तो फंक्शनल रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है डिजिटा क्या करता है सॉरी फंक्शनल रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ एवी नोड जो है उसे प्रोलॉन्ग करने का काम डिजिटाइलिज करता है तो रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है एवी नोड का उसे बढ़ाने का काम डिजिटाइलिज करता है जिसकी वजह से क्या होता है दिस लीड्स टू डिक्रीज इन ट्रांसमिशन ऑफ नंबर ऑफ स्टिम्यूलाय फ्रॉम सुप्रावेंट्रिकुलर पेसमेकर टू द वेंट्रिकल्स सुप्रावेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर मीन्स वेंट्रिकल्स के ऊपर वेंट्रिकल्स के ऊपर क्या है एट्रिया है एट्रियम है और एट्रिया है तो ये एट्रिया से जो इम्पल्स और स्टीमूलाय आ रहा है वो डिक्रीज होता है डिक्रीज होता है क्यों होता है क्योंकि डिजिटलिज क्या करता है रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा देता है एवी नोड के रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा देता है जिसके वजह से एट्रियम से जो स्टिमूलाए आता है वेंट्रिकल्स के तरफ वो वेस्ट चला जाता है बिकॉज ये रेस्टिंग पीरियड में हमारा वेंट्रिकल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके रेस्टिंग मोड में चला गया है जिसे हम एब्सुलट रेफ्रैक्ट्री पीरियड बोलेंगे तो जिसके वजह से जो सुप्रा वेंट्रिकुलर पेसमेकर है और जो ऐसे नोड है जो स्टिमुलाई भेज रहा है उसको आपका वेंट्रिकल जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा रिएक्ट नहीं करेगा उसके वजह से क्या करे होगा कि आपका जो ट्रांसमिशन जो है स्टिमूला का वो डिक्रीज हो जाएगा ठीक है अब हम देखते हैं डिजिटाइलिस एंड कैल्शियम तो कैल्शियम आयन इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट तो कैल्शियम क्या करता है कैल्शियम आयन क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट और वहां के जो हार्ट के जो मसल्स है उसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम कैल्शियम आयंस करते हैं एक्सेसिव कैल्शियम आयन कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू तो कार्डियक अरेस्ट इन सिस्टोल तो कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है वहां के सेल में और कार्डियक सेल में तो कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस है केस ऑफ सिस्टोल ठीक है जो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस हो जाता है क्योंकि कैल्शियम क्या करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाने का काम करता है और अगर एक्सीसिव कैल्शियम हम हार्ट को प्रोवाइड करेंगे तो हार्ट क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा समय के लिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस है और जिसके वजह से डेथ होने का भी चांसेस बढ़ता है डिजिटालिस एक्ट सीनिकली विथ कैल्शियम तो क्या है ये आग में तेल ओतने का काम करता है और घी डालने का काम करता है तो डिजिटालिस ये सीनरजिस्टिक इफेक्ट दिखाता है अगर हम डिजिटालिस और कैल्शियम एक साथ लेते हैं तो अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस है क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इतना स्ट्रांग रहेगा कि भाई कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा कॉन्ट्रेक्शन मोड में और जिसके वजह से डेथ होने का चांसेस हो सकता है। हेंस बाय कैल्शियम हेंस अ स्पेशल केयर इज टू बी टेकन टू अवॉइड कैल्शियम प्रिपरेशन इन इंडिविजुअल एस इंडिविजुअल ऑन कार्डियक ग्लाइकोसाइड तो जिस पेशेंट को हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड से ट्रीट कर रहे हैं ऐसे पेशेंट में हमें कैल्शियम प्रिपरेशंस नहीं देना है लाइक मिल्क हो गया आपका कैल्शियम कंटेनिंग अदर प्रोडक्ट्स हो गए और कैल्शियम सप्लीमेंट्स हो गए तो ये हमें अवॉइड करना है जो पेशेंट को हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड दे रहे हैं फॉर देयर फेल्यूअर हार्ट जो हार्ट फेल हुआ है उसके लिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड दे रहे हैं तो वही से पेशेंट में हमें कैल्शियम प्रिपरेशन नहीं दे देना है बिकॉज देयर में चांसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट अब हम एक्स्ट्रा कार्डियक एक्शंस क्या है वो देखते हैं तो फर्स्ट है किडनी इन एडमेटस पेशेंट विथ सीसीएफ सी ज द प्रोमिनेंट एक्शन तो सी सी एफ मींस कंजेस्टिव कार्डियेल्यूअर पेशेंट में अगर एडेमा हुआ है और रिटेंशन ऑफ फ्लूड हुआ है तो डिजिटैलिस क्या करता है डायूरेटिक इफेक्ट दिखाता है ये क्यों दिखाता है this is due to decrease in venous pressure, bringing about shifting of edema fluid into the circulation. तो जहाँ पे भी fluid retention हुआ है, वहाँ से वो fluid वापस circulation में आ जाता है। क्यों आ जाता है? Due to decrease in venous pressure. venous pressure कम होने के वजह से, जहाँ पे भी fluid retained हुआ है, जो cell में भी fluid retained हुआ है, वो वापस से सर्कुलेशन में आ जाता है और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में आ जाता है जिसके वजह से वहाँ का एडेमा जो है वो गायब हो जाता है उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन रीनल सर्कुलेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज एक्सेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर तो डिजिटलिस क्या करता है डिजिटलिस डिक्रीज करता है वेनस प्रेशर को जिसके वजह से फ्लूड रिटेंशन जहाँ पे भी है वहाँ से फ्लूड वापस सर्कुलेशन में आता है ये एक चीज होता है और दूसरा क्या करता है रीनल सर्कुलेशन को बढ़ाता है रिजल्टिंग इन इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर सोडियम और वाटर को एक्सक्रीट करता है और उसका एक्सक्रीशन बढ़ाता है तो इसके वजह से किडनी पे सॉरी इसके वजह से जो एडेमा है जो कि डेवलप हुआ है सीसीएफ पेशेंट में और उसको अगर हम ट्रीट करते हैं डिजिटाइलिज और ग्लाइकोसाइड से तो उसमें एडेमा रिकवर हो जाता है और एडेमा कंडीशन जो है वो निकल जाती है इसके अलावा रीनल सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है जिसके वजह से सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ता है उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट होता है डिजिटालिज इन टॉक्सिक डोजेज कैन प्रोड्यूस डायरिया नोशिया एंड वोमेटिंग टॉक्सिक डोजेज में डिजिटालिज डायरिया प्रोड्यूस कर सकता है नोशिया प्रोड्यूस कर सकता है और वोमेटिंग प्रोड्यूस कर सकता है नोशिया एंड वोमेटिंग आर ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन ठीक है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करता है डिजिटालिस जिसके वजह से जी मचलना और वोमिटिंग होना और उल्टी होना पॉसिबल है अगर पेशेंट को हम बहुत ज्यादा अमाउंट में और टॉक्सिक डोज देते हैं डिजिटालिस का और कार्डियक ग्लाइकोसाइड का उसके बाद हम देखते हैं डिजिटालिस का मेकेजम ऑफ एक्शन इनिबेटिंग एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप डिजिटलिज प्रिवेंट एक्सक्लूजन ऑफ सोडियम एंड एंट्री ऑफ सोडियम इन टू द सेल तो मेकेनिजम ऑफ एक्शन में पहला लाइन में बोला है कि भाई जो एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप होता है जिसमें एक्सचेंज होता है सोडियम और पोटेशियम पंप सोडियम और पोटेशियम का तो वो क्या करता है डिजिटाइलिज उसको इनिबिट करता है वो पंप को इनिबिट करता है जिसके वजह से एक्सचेंज जो होता है सोडियम और पोटेशियम का वो इनिबिट होने की वजह से सोडियम बाहर नहीं जा सकता और पोटेशियम भी अंदर नहीं आ सकता ठीक है तो डिजिटाइलिज प्रिवेंट एक्सक्लूजन ऑफ सोडियम एंड हैस्टन द एंट्री ऑफ सोडियम इनटू द सेल ठीक है दिस कॉज फास्टर रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बाइंडिंग साइट इन टू द साइटोप्लाजम तो जिसके वजह से जो सोडियम है वो सोडियम अंदर आने के वजह से डिपोलराइजेशन फेस हो जाता है डिपोलराइजेशन फेस में सोडियम ज्यादा होने के वजह से वो क्या करता है कि जो कैल्शियम अवेलेबल है सेल के अंदर जो बाइंडिंग साइट पे कैल्शियम अवेलेबल है उसको भी रिलीज करने का काम बहुत जोरो शोरों से और फास्टर रेट में चालू कर देता है तो साइटोप्लाज्म में फ्री कैल्शियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाता है डिजिटलिस ऑल्सो इंक्रीज द कैल्शियम स्टोअर्स इन द सेल तो कैल्शियम स्टोअर्स इन द सेल जो है ये भी बढ़ाने का काम डिजिटलिज करता है दिस एक्शन एनहांस कॉन्ट्रेक्टिविटी ऑटोमेसिटी एंड एकटोपिक पेसमेकर एक्टिविटी इन द हार्ट तो कॉन्ट्रेक्टिविटी मीन्स कॉन्ट्रेक्शन रेट बढ़ता है जैसा कि मैंने बोला कि कैल्शियम आयन ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाने का काम करते हैं तो डिजिटलिज जैसे ही हम पेशेंट को देते हैं जिसे सी सी एफ हुआ है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है ड्यू टू दिस एक्शन ड्यू टू इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप जिसके वजह से एक्सचेंज ऑफ सोडियम और पोटेशियम जो है वो कम हो जाता है और फास्टर रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन होता है जो कि बाइंडिंग फॉर्म में है और बॉन्डेड फॉर्म में है इन साइटोप्लाजम वो फ्री फॉर्म में रिलीज होते हैं और उसके वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाता है ऑटोमेसिटी बढ़ जाता है और इसके अलावा इक्टोपिक पेस मेकर एक्टिविटी भी बढ़ जाता है इक्टोपिक पेस मेकर कौन से है जो कि पेस मेकर जो है ऐसे नोड ऐसे नोड के अलावा दूसरे भी ऐसी कुछ साइट है जो कि हार्ट के सिस्टोल और डायस्टोल को और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं उसे हम इक्टोपिक पेस मेकर बोलते हैं या फिर हार्ट के मसल्स का टोन जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को उसको मैनेज करते हैं अदर देन ऐसे नोड उसे हम बोलेंगे इक्टोपिक पेस मेकर ठीक है तो इसमें बहुत सारे आते हैं पुरुकुंज फाइबर्स आते हैं जैसा कि हमने इससे पहले देखा था कि उनका एबिलिटी बढ़ जाता है जिसके वजह से वो भी इम्पल्स जनरेट करने लगते हैं और उसके वजह से इक्टोपिक पेसमेकर के वजह से आपका कार्डियक कार्डियमिया होने का चांसेस बढ़ जाता है द इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप प्रिवेंट री एंट्री ऑफ पोटेशियम ठीक है तो इनिबिशन मैंने यहां पे सोडियम लिखा है बट सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसका इनिबिशन की वजह से कैल्शियम का री सॉरी पोटेशियम का री एंट्री नहीं हो पाता मीन्स सोडियम के साथ एक्सचेंज नहीं हो पाता जिसके वजह से रिपोलराइजेशन फेज जो है वो बढ़ जाता है रिपोलराइजेशन फेज जो है वो बढ़ने के वजह से आपका हार्ट बहुत ज्यादा समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहता है इन पेशेंट ऑफ सी सी एफ कार्ड कंजेस्टिव कार्डियेल्यूर पेशेंट में ज्यादा समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट मोड में रहता है और इसके वजह से जो फ्री फॉर्म में कैल्शियम अवेलेबल है इंट्रा सेल्यूलर कैल्शियम जो कि एक्सचेंज के टाइम में बाहर चला गया है सेल के वो डिप्लीट होना चालू होता है और एक्सक्रीट होना चालू होता है हमारे बॉडी से अभी हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन फेट एंड एक्सक्रीशन दीज ग्लाइकोसाइड्स आर एब्जॉर्ब फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से कार्डिय ग्लाइकोसाइड और डिजिटालिस और इट्स डेरिवेटिव जो भी है वो एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से द एब्जॉर्ब थ्रू इंट्रामोस्कुलर और सबकुटेनियस रूट इज अनरिलाबल एंड मेक ऑज इरिटेशन तो अगर हम ये ड्रग इंट्रामस्कुलरली और सबकुटानियसली देते हैं तो इसके वजह से हमें प्रॉपर इफेक्ट नहीं मिलेगा अनरिलायबल है और इसके वजह से हमें इरिटेशन भी हो सकता है हेंस द ग्लाइकोसाइड्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल और इंट्रावेनस रूट तो ग्लाइकोसाइड को आयदर हम ओरली लेंगे और इंट्रावेनस रूट से हम कंज्यूम करेंगे डिजिटाइलिज ग्लाइकोसाइड्स आर बाउंड टू प्लाज्मा अलब्यूमिन इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन तो डिजिटाइलिज ग्लाइकोसाइड ये जो है प्लाज्मा अलब्यूमिन से बाइंड होते हैं और बाद में फिर वाय सर्कुलेटरी सिस्टम से हार्ट पे हार्ट में जाएंगे और हार्ट में जाके ये मायाकार्डियम लेयर पे इफेक्ट दिखाएंगे और फाइनली ये एक्सक्रीट हो गए थ्रू यूरिन बॉडी एलिमिनेट पर डे द फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ द डिजिटलिज प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द डे ठीक है तो जो डिजिटलिस होता है जो हम चालू करते है जिस दिन चालू करते हैं उसका नेक्स्ट डे एक फिक्स प्रपोर्शन में वो निकलता है ठीक है फिक्स फिक्स प्रपोर्शन में हमारे बॉडी से एलिमिनेट होता है और फिक्स प्रोपोर्शन में बॉडी से एलिमिनेट होता है जिसकी वजह से अगर हम उसको रिपीटेडली रह रहे हैं रिपीटेडली डेली एडमिनिस्टर्ट कर रहे हैं तो डिजिटलिस ऑक्यूमलेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि जो पहले दिन एलिमिनेट हुआ है एक फिक्स प्रोपोर्शन वो दूसरे दिन भी उतना ही प्रोपोर्शन में री एक्सक्रीट हो रहा है हमारे बॉडी से अगर समझ लीजिए हम हंड्रेड परसेंट ले रहे हैं डिजिटालिस्ट को और उसमें से अगर एट्टी परसेंट ही हमारा एलिमिनेट हो रहा है ट्वेंटी परसेंट हमारे बॉडी में है नेक्स्ट डे हम हंड्रेड ले रहे हैं उसमें से भी एट्टी निकल रहा है ट्वेंटी रिटर्न हो रहा है तो अभी फोर्टी परसेंट हो गया ऐसा करते 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 हमारे बॉडी में डिजिटालिस्ट ऑकोमुलेट होता है और इट में साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस्ट अब एडवर्स रिएक्शन ऑफ डिजिटलिस्ट देखते हैं तो कार्डियक टॉक्सिसिटी। डिजिटलिस्ट प्रोड्यूस कार्डियक अरेथमिया इज आइदर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन इंपल्स फॉर्मेशन और इन इंपल्स कंडक्शन और बोथ द डिसऑर्डर ऑफ इंपल्स फॉर्मेशन इज ड्यू टू इक्टोपिक पेसमेकर एक्टिविटी दिस एक्टिविटी शोज multifocal extrasystole followed by partial or complete av block the effect include paroxysmal atrial tachycardia with block sinoatrial arrest ventricular tachycardia and ventricular बट ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई कार्डियक टॉक्सिसिटी किसके वजह से हो सकती है अल्टीमेटली कार्डियेमिया प्रोड्यूस होने के वजह से कार्डियेमिया क्यों प्रोड्यूस होगा क्योंकि डिजिटाइलिज जो है ये मायोकार्डियम पे एक्ट करता है डायरेक्ट एक्शन दिखाया जाता है जिसके वजह से वहाँ के पुर्कुंज फाइबर्स है एज वेल एज वहाँ की हार्ट मसल्स जो है वो एबल होती है टू जनरेट इम्पल्स टू जनरेट इम्पल्स और वो एक्ट करती है एज एक्टोपिक पेस मेकर और ये इक्टोपिक पेस मेकर क्या चीज है कि भाई अदर देन एस नोड अगर कोई दूसरा वहाँ का सेल और मसल्स इम्पल्स जनरेट कर रहा है तो देयर मे बी ए इनकोर्डिनेशन और डिस्टर्बेंस इन कोऑर्डिनेशन हो जाएगा और जिसके वजह से आपको पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया पैरोक्सिस्मल मींस अचानक से एट्रियल टैकीकार्डिया होने का चांसेस हो सकता है साइनो एट्रियल ऐसे अरेस्ट हो सकता है और नोड अरेस्ट हो सकता है उसके अलावा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है और वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर अरेथमिया भी होने का चांसेस है

इसके वजह से पोटेशियम लॉस जो है थ्रू यूरिन वो बढ़ जाता है और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन जो सी पेशेंट है उसमें कम होने लगता है और जिसके वजह से डिजिटैलिस धीरे 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 अपना पकड़ बनाता है वो पेशेंट पे और अल्टीमेटली टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल टॉक्सिसिटी तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल टॉक्सिसिटी ऑकर अर्लियर टू कार्डियक टॉक्सिसिटी तो कार्डियक टॉक्सिसिटी के पहले गैस्ट्रो इंटेस्टिनल टॉक्सिसिटी हो सकता है जिसमें एनोरेक्जिया एंड वोमेटिंग आर द कॉमनेस्ट सिम्टम तो एनोरेक्जिया और वोमेटिंग जो है ये कॉमनेस्ट सिम्टम है इसके अलावा डायरिया जो है ये भी हो सकता है बट लेस कॉमन है इट इज नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश वोमेटिंग ड्यू टू कार्डियक फेल्यूअर इट सेल्फ ठीक है इट इज नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश वोमिटिंग ड्यू टू कार्डियेल्यूर इट सेल्फ इसका मीनिंग है कि भाई आपको डिस्टिंग्विश करना है वोमिटिंग ड्यू टू कार्डियक फेल्यूअर की वजह से है या फिर आपका डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी के वजह से है न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी अब न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी में ट्रू वर्टिगो गो मीन्स सिर घूमना उसके बाद विजुअल डिस्टर्बेंस आ सकता है इंक्लूडिंग अपीयरेंस ऑफ डांसिंग एंड फ्लिकरिंग डॉट्स एंड डिस्टर्बेंस इन कलर विजन ये हो सकता है मीन्स आपके आंखों के सामने कोई डॉट्स दिखेंगे कलरफुल डॉट्स दिखेंगे और डिस्टर्ब इन कलर विजन मीन्स आपको कलर अच्छे से नहीं दिखेंगे इसके अलावा हेड इज़ फेयरली कॉमन सरदर्द सम पेशेंट में एक्सपीरियंस टिंगलिंग एंड नमनेस इन लिप लिप्स टिप्स ऑफ नोज चिक्स एंड ईयर्स मीन्स काटे चुभने जैसा एक फीलिंग आएगा या फिर स्लाइटली uh, um, चीटियाँ आने जैसा एक फीलिंग आएगा और नमनेस मीन्स सुन्न पढ़ना मीन्स उसको क्या बोलेंगे हम बेजान बेजान जैसा लगेगा आपके लिप्स पे यानी उसमें कोई जान नहीं है लिप्स पे या फिर नोज में कोई जान नहीं है चिक्स पे ईयर्स पे ये सब इफेक्ट टिंगलिंग एंड नबनेस एक्सपीरियंस होता है अगर न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी होता है डिजिटलिस का इसके अलावा कन्फ्यूजन डिलेरियम एंड साइकोटिक बिहेवियर में इन एल्डरली पेशेंट अगर एल्डरली पेशेंट को हम देते हैं डिजिटलिज तो उनमें कन्फ्यूजन हो सकता है डिलेरियम डिलेरियम इट्स फॉर्म ऑफ कन्फ्यूजन उन्हें पता नहीं चलेगा कि भाई क्या चल रहा है उनके आजू बाजू उसके अला उसके अलावा साइकोटिक बिहेवियर भी चेंज हो सकता है एल्डरली पेशेंट में वो अगर उसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं डिजिटालिस्ट से उसके बाद मिसेलिनियस टॉक्सिसिटी में इट इंक्लूड स्किन रैश एंड इजोनोफिलिया इजोनोफिलिया मीन्स इसमें आपका जो इजिनोफिल्स है ये बढ़ जाएगा जिसके वजह से स्किन रैशेस जो है ये होगा डिजिटेलिज इज एबल टू क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर एंड दस मे लीड्स टू प्री मैच्योर डिलीवरी तो डिजिटेलिज का ये भी एक ड्रॉबैक है कि अगर प्रेगनेंट वुमन को अगर हम डिजिटेलिज दे रहे हैं तो ये प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करेगा और इसके वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी होने का भी चांसेस बढ़ जाता है अभी हम देखते हैं डिजिटलिज टॉक्सिसिटी ओवर डिजिटलाइजेशन इज टू बी सस्पेक्टेड वेन एनी ऑफ द अबोव मैंशन सिम्टम और साइन अराइज इन अ पेशेंट ऑन डिजिटालिस्ट थेरेपी तो डिजिटलिस्ट थेरेपी में जब भी हमें कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट दिखता है जो कि हमने एडवर्स रिएक्शन में देखा है तो ये इंडिकेट करता है कि भाई पेशेंट को डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी हुआ है और डिटेल एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल सिचुएशन पास डिजिटलाइजेशन द अमाउंट एंड द स्पीड ऑफ प्रेजेंट डिजिटलिज एडमिनिस्ट्रेशन नेचर ऑफ डिसीज प्रोसेस एंड पेशेंट्स इलेक्ट्रोलाइट एंड रिनल स्टेटस इज नेरी तो ये डिटेल एनालिसिस जो है ये करना जरूरी है टू एनालाइज वेदर पेशेंट गेट पॉइजन बाय डिजिटलिज और नॉट तो उसके लिए क्या देखना है कि भाई पास डिजिटलाइजेशन कैसा मीन्स डिजी डिजिटलिस का उ, उसने कितना अमाउंट कंज्यूम किया है प्रेजेंट में कितना कर रहा है कितना फ्रीक्वेंसी में कर रहा है डिसीज़ प्रोसेस जो है उसका नेचर क्या है उसके अलावा पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन कैसा है रिनल स्टेटस कैसा है ये सब क्लिनिकली सिचुएशन देखना पड़ता है बिफोर ट्रीटिंग द पेशेंट हु हैव डिजिटलिस टॉक्सिसिटी जिसको डिजिटलिस टॉक्सिसिटी हुआ है उसको ट्रीट करने के पहले ये डिटेल उसका स्टडी करना पड़ता है और एनालाइज करना पड़ता है बिकॉज सिंपली ई एंड प्लाज्मा डिगॉक्सिन लेवल आर नॉट सफिशिएंट मीन्स ऑफ डायग्नोसिस डिजिटलिस टॉक्सिसिटी तो डायग्नोसिस डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी करने के लिए ईसीजी और प्लाज्मा डिगोक्सिन लेवल डिगोक्सिन लेवल जो है ये सफिशियंट नहीं है हमें इसके अलावा उसका पास डिजिटलिस्ट डोज प्रेजेंट डिजिटाइलिस डोज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिटलिस डोज डिसीज़ कौन सा है उसे नेचर ऑफ डिसीज देखना है पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन देखना है एज वेल एज किडनी स्टेटस और रीनल स्टेटस क्या है ये सब हमें देखना है बिफोर ट्रीटिंग दैट पेशेंट सॉरी बिफोर कंक्लूडिंग दैट कि अवर पेशेंट इज डिजिटाइलिज टॉक्सीफाइड ठीक है तो digitalis से वो uh, uh, सॉरी digitalis से टॉक्सिसिटी डेवलप हुआ है पेशेंट में ये हमें इतना एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा द डिजिटेलिज थेरेपी इज टू बी स्टॉप इमीजिएटली इफ टॉक्सिसिटी इज सस्पेक्टेड अब ये जो ऊपर में सेकेंड पॉइंट में जितने टेस्ट दिए हुए हैं अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो हमें डिजिटेलिस्ट थेरेपी स्टॉप कर देना है इमिजिएटली अगर उसका टॉक्सिसिटी हमें पता चलता है कि भाई पेशेंट को डिजिटलिस का टॉक्सिसिटी हो गया है अब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं तो स्टॉप digitalis digitalis so, ही करना है बट डायरेटिक थेरेपी अगर हम उसको दे रहे हैं तो उसे भी हमें बंद करना है हाइपोकैलेमिया इज करेक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट तो हाइपो कैलेमिया जिसमें लॉस ऑफ कैल्शियम सॉरी फिर से कैल्सियम पोटेशियम जो होता है जो लॉस ऑफ पोटेशियम होता है एक्सिस लॉस ऑफ पोटेशियम होता है उसको हमें रिस्टोर करना है पोटेशियम को तो उसके लिए हम फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव ग्राम के सी एल ओरली देंगे डेली इन डिवाइडेड डोज तो फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव ग्राम के सी एल जिसमें पोटेशियम है क्लोराइड के साथ उसे हम ओरली देंगे पेशेंट को जिसकी वजह से उसका पोटेशियम लेवल मेंटेन हो जाएगा और इट मे बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली या फिर उसको इंट्रावेनसली भी हम के दे सकते हैं वाया सलाइन सोल्यूशन टैकिअरे एंड इक्टोपिक इम्पल्स जनरेशन आर कॉज बाय इंट्रासेलुलर लॉस ऑफ पोटेशियम तो इंट्रासेलुलर लॉस ऑफ पोटेशियम होने की वजह से टैकी अरेतमिया हो सकता है और इक्टोपिक इंपल्स जनरेशन होता है तो ये दो चीज़ें होती है जब भी पोटेशियम लॉस होता है तो पोटेशियम रिड्यूसेस फर्दर अपटेक ऑफ ग्लाइकोसाइड बाय द हार्ट तो पोटेशियम बहुत ही जरूरी चीज़ है अगर वो बॉडी से लॉस होता है तो उसके वजह से टैकी अरेमिया तो होगा ही उसके अलावा इक्टोपिक इम्पल्स जनरेशन भी होगा बट उसके अलावा जो ग्लाइकोसाइड हम खा रहे हैं वो हार्ट पे कॉन्ट्रेक्शन इफेक्ट दिखाना भी बंद कर देगा धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा इसलिए पोटेशियम जो है वो जरूरी है फॉर ग्लाइकोसाइड एज वेल एज फॉर आवर बॉडी पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एवी ब्लॉक तो जिसे एवी ब्लॉक है ऐसे कंडीशन में पोटेशियम एडमिनिस्टर करना ये कॉन्ट्राइंडेटेड है अगर वहां पे एवी ब्लॉक है मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है और वो जो वॉल है वो अगर ब्लॉक है तो ऐसे कंडीशन में हमें पोटेशियम एडमिनिस्टर्ट नहीं करना है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकअरे आर बेस्ट ट्रीटेड विथ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर नेमली प्रोप्रेनोलॉल तो ऐसे कंडीशन में कि जिस पेशेंट को ए वी ब्लॉक है और जिस पेशेंट में पोटेशियम लेवल कम है उसको सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिडिया से ट्रीट कर टैक्यरे से ट्रीट कर सकते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकअरे जो है उसको हम बेस्ट ट्रीट कर सकते हैं बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर से प्रोप्रेनलॉल से नेमली प्रोप्रेनलॉल ये हम ले सकते हैं तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकी अरे जो कि स्पेशली एट्रियम में होता है उसको अगर ट्रीट करना है तो हम बीटा ब्लॉकर एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दे सकते हैं स्पेशली प्रोप्रेनालॉ वेंट्रिकुलर ट्रैकिअरेतमिया है तो इसको हम ट्रीट करेंगे आइदर लिग्नोकेन से और फिनिटोइन सोडियम से इंट्रावेनस रूट से अगर हम लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड और फिनोटोइन सोडियम को इंट्रावेनसली देते हैं तो वेंट्रिकुलर ट्रैकअरेतमिया जो है उसे हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं इसके बाद डिजिटलिस प्रिपरेशन देखते हैं तो डिजिटलिस में डिगोक्सिन होता है तो डिगोक्सिन का टैबलेट आता है इंडियन फार्माकोपिया का पॉइंट टू फाइव एम जी का डिगोक्सिन इंजेक्शन आता है आईपी इंडियन फार्माकोपिया का पॉइंट फाइव एम जी पर एम एल इन सेवेंटी परसेंट अल्कोहल गिवन इंट्रावेनसली बाय डायलूटिंग विथ सलाइन सोल्यूशन तो डिगोक्सिन का इंजेक्शन आता है पॉइंट फाइव एम जी पर एम एल इन 70% अल्कोहल को और जब भी इंट्रावेनसली देना है तो इसे डाइल्यूट करते हैं सलाइन सॉल्यूशन के साथ डिगोक्स डिजिटॉक्सिन टैब टैबलेट आता है इंडियन फार्माकोपिया में आईपी का 0.12.2 एमजी का उसके बाद जिटालिन टैब आता है आईपी में 0.5 एमजी का उसके बाद लैनर्टोसाइड सी टैब आता है और टैबलेट आता है आईपी का पॉइंट फाइव एम का इसके बाद इसके देख लेते हैं तो डिजिटलिज इज यूज इन फॉर इट्स इनोट्रोपिक और कॉन्ट्रेक्टिलिटी इफेक्ट तो डिजिटेलिज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाने का काम करता है इसीलिए इसको कंजेस्टिव कार्डियेल्यूअर में और कार्डियक फेल्यूअर में यूज करते हैं तो कंजेस्ट टू कार्डियक फेल्यूअर में और लो आउटपुट फेल्योअर में इसको यूज करते हैं उसके बाद लेफ्ट पेंट्रिकुलर फेल्योर होता है तो वहां पे भी हम डिजिटालिस को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट एक्ट्स ऑन मायोकार्डियम तो ये मत भूलिएगा कि डिजिटालिस डायरेक्टली इफेक्ट दिखाता है आपके मायोकार्डियम पे उसके बाद पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया कार्डिया मीन्स अचानक से आपको एट्रियल टैकीकार्डिया होता है तो ऐसे कंडीशन में भी डिजिटालिस यूज कर सकते हैं उसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन में और एट्रियल अरेथमिया में भी इसको हम यूज कर सकते हैं उसके बाद एट्रियल फ्लटर्स ये भी काइंड ऑफ अरेथमिया है तो इसमें भी हम डिजिटलिज को एज अ ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं द ओनली कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन टू डिजिटेलिज इज इट्स टॉक्सिसिटी तो टॉक्सिसिटी इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है डिजिटाइलिस का टॉक्सिसिटी क्यों होता है क्योंकि ये फिक्स प्रोपोर्शन में ही आपके बॉडी से एलिमिनेट होता है और कुछ अमाउंट आपके बॉडी में अकोमलेट होना चालू होता है धीरे 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 ऑकोमिलेट होता है और एक समय के बाद ये डिजिटली टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है तो ये हो गया हमारा कार्डियोटॉनिक का पार्ट इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू